फाइनली आज हमारी राइड स्टार्ट हो चुकी है। वैसे राइड तो बहुत टाइम पहले स्टार्ट हो गई थी, लेकिन शूट मैं अब कर रहा हूँ। अभी पता पीछे क्या हुआ, मैं गोप्रो शूट कर रहा था और गोप्रो से शूट नहीं हो रहा था, तो मैंने सोचा यार पता नहीं भाई इतने दिन बाद तो मैंने राइड स्टार्ट की है और आज ही गोप्रो ने दिक्कत कर दी। फिर मैंने गोप्रो निकाल के देखा तो पता लगा उसमें मेमोरी कार्ड नहीं है, और बिना मेमोरी कार्ड के तो गोप्रो शूट नहीं करता है। फिर मुझे ध्यान आया जो गोप्रो का मेमोरी कार्ड है ना वो मेरे मोबाइल में है, सिम इजेक्टर पिन है, वो मैं घर भूल आया हूँ। तो भाई बड़ी मुश्किल से मैंने कहीं से जुगाड़ किया, मैं पीछे एक होटल में रुका, वहाँ से भैया से मैंने सिम इजेक्टर पिन ली, तब जाके मैंने मेमोरी कार्ड निकाला है और गोप्रो में लगाया है। राइड में जाने वाले ना काफ़ी अच्छी लोकेशन होने वाली है, मेरे लिए तो फर्स्ट टाइम एक्सप्लोर करूँगा। वैसे मैं वहाँ पर एक या दो बार गया हूँ, लेकिन मैंने अभी तक वहाँ पर कोई वीडियो नहीं बनाई है। तो अभी रुके हैं रास्ते में और लगभग हम 40-45 किलोमीटर आ चुके हैं, तो हमने ब्रेक नहीं लिया था कहीं भी, तो अभी यहाँ रुके हैं यार, लगातार चल रहे हैं। और वैसे मेरे को तो आदत है चलने की, लेकिन अमन मेरे साथ फर्स्ट टाइम आया है, तो मैंने कहा रुक रुक कर चलते हैं। और वैसे इसने बोला था मुझे घर में यार के बॉम्बे डिंगल दवाई दिलवा देना, लेकिन हम मार्केट में भूल गए। तो वैसे यहाँ से 10 किलोमीटर बाद ना नैनीताल की मार्केट आएगी, तो वहाँ से हम ले लेंगे, क्योंकि अभी हमें और आगे सफ़र करना है। वैसे भी हमारा सफ़र अभी काफ़ी लंबा है, तो रास्ते में कोई दिक्कत ना हो। टाइम के लिए यहाँ पर रुके हैं क्योंकि ना अमन को फोटो चाहिए और वीडियो चाहिए, बाकी यहाँ थोड़ी देर टाइम स्पेंड करेंगे फिर निकल जाएंगे अपनी लोकेशन के लिए। मुझे तो चाहिए नहीं, क्योंकि भाई मैं तो इतने बार आया हूँ ना, मेरे पास बहुत सारे फोटो पड़े नैनीताल के, बस अमन का मन था क्योंकि इसका फर्स्ट टाइम है। और भाई होता है यार, हम भी फर्स्ट टाइम आए थे, हमारे साथ भी ऐसे होता था। कुछ नहीं करेगा, बस दो दवाई बना लो। तो अभी रुके हैं मेडिकल में, अमन को दवाई लेनी है क्योंकि इसके सर में ना अभी दर्द होने लगा है। अभी पहुंच चुके हैं भवाली और यहां से जाना है हमें भीमताल की तरफ। बहुत पीछे से हम देखते आ रहे हैं स्कूल बच्चे, जितना भी यहाँ पर पॉलीथीन है ना वो सब उठा रहे हैं जगह जगह से। भाई सही है, कचरा फैला दिया पूरे पहाड़ों में, लोग आते हैं खाते पीते हैं कचरा अपना फेंक जाते हैं, जहाँ मन करा वहाँ फेंक जाते हैं। भाई डस्टबिन में डाल दो यार, इससे अच्छा तो फेंकने से अच्छा पता नहीं भाई। जब घूमने का शौक है पता है भाई, घूमने फिर आना है, पता नहीं क्यों इतना कचरा फैलाते हैं। फाइनली हम पहुंच चुके हैं अभी भीमताल और अभी रुके हैं झील के किनारे। अभी यहाँ पर थोड़ा घूमते हैं, चाय पीने का बहुत मन हो रहा है, और वैसे भी ना अमन का भी थोड़ा हेडेक हो रहा था, तो चाय पी के थोड़ा सही हो जाएगा, क्योंकि पहाड़ों में यार चाय और मैगी का मज़ा है, चाय पीते ना भाई पूरा दिमाग फ्रेश हो जाता है। तो अभी वैसे झील घूम रहे हैं, थोड़ी देर आगे जाएंगे वहाँ पर थोड़ा चाय भी पियेंगे। अभी आ चुके हम झील के बीचों बीच भीमताल झील में, और काफ़ी मज़ा आ रहा है यार। और एक बार देखो भाई वो कैफे देखो जरा भाई, झील के बीचों बीच यार काफ़ी बढ़िया लग रहा है। झील इधर है वैसे साइड में झील, इधर भी पानी चल रहा है भाई, काफ़ी मज़ा आ रहा है। और हमने बहुत सारी फोटो खींची, वीडियो बनाई है। मौसम मेरा बहुत बढ़िया हो गया भाई, और एक नंबर हो रखा है। वैसे ना हल्की हल्की फॉगी लगी है, अगर क्लियर होता ना और अच्छे दिखते, लेकिन हर एक चीज़ का एक अलग मज़ा होता है भाई, जब क्लियर होता है उसका अलग मज़ा है, और जब फॉगी फॉगी हो रखा ना उसका अलग मज़ा है। तो चले अमन कुछ खाने पीने, चलो यार भाई बहुत भूख लग रही है। हम लोग ना पता क्या करते हैं, जहाँ रुकते हैं
बोलते भाई आगे चलते हैं, कुछ खाएंगे पियेंगे, फिर हमें जगह अच्छी लगने लगती है, हम फोटो खींचने लग जाते हैं। ऐसे करते करते ना बहुत दूर आ गए। और अभी हमने करी चाय ऑर्डर, और ये हमारे परौंठे घर से लेके आए थे हम। और देखो भाई लोकेशन क्या है, यहाँ चाय पी रहे हैं, सामने भाई भीमताल झील और ये रोड, मतलब इतनी मस्त लोकेशन है ना। चाय पी रहे थे ना, वो इतनी प्यारी लोकेशन थी ना, बीच में रोड था, रोड की साइड झील और इस साइड भैया की दुकान थी भाई, वहाँ बैठ के मस्त नेचर के व्यू ले रहे थे। फिर हमने वहाँ पर वीडियो शूट इसलिए नहीं की ना, थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक दो बंदे आए थे जो मीडिया से थे, तो उनसे हमारी बातें चलनी थी, तो वो अपना एक्सपीरियंस बता रहे थे हमें, तो काफ़ी एक्सपीरियंस उन्होंने शेयर किया, हमसे बात की, अच्छा लगा उनसे बात करने के बाद। फिर हमने चाय वही पी वहाँ से, और भाई घर से हम पैक करा के आए थे, हमने परौंठे परौंठे खाए, चाय पी, बाकी सूप पीने का मन हो रहा था यार, पर भैया के पास अभी टाइम सूप अवेलेबल नहीं था, तो हमने भाई वहाँ से खाया पिया और निकल गए। वीडियो यहीं करते हैं, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।